Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. मार्टिन गप्टिल गुप्ता जी की अगर बात करें तो T20s में धमाकेदार फॉर्म में तो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय में, पर यही जब एशिया जब आते हैं ना तो एशिया में थोड़ा सा मतलब थोड़ी बदहजमी हो जाती है उनको, ये कंडीशंस पचती नहीं है ज्यादा उनको। अब आप तो जानते हैं जब आपका अटैकिंग स्टाइल हो बल्लेबाजी का, कंडीशंस बदलती है, थोड़ा तो फर्क पड़ता है जरूर गेम में। क्या कर सकते हैं गुप्ता जी, या क्या देखा है आपने इनकी गेम में, क्या है जो यहाँ पर, आज तो स्कॉटलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं तो शायद एसोसिएट नेशन के खिलाफ तोड़ सकते हैं, वापस फॉर्म में आ सकते हैं, क्या करें? या तो ताबड़ तोड़ जाके खेलें, थोड़ा रुक के देखें। आपके लिए अगर कभी कोई कंडीशंस मुश्किल हो जाती थी तो क्या तोड़ होता था दिमाग में? देखिए, जब आपको लगता है कि आपके लिए कोई मुश्किल कंडीशन है, उसमें आपको आपका गेंदबाज चूज करना बहुत जरूरी है कि यार ये गेंदबाज लग रहा है इस कंडीशन में जिसको मैं बड़े आराम से लपेट सकता हूँ, और बाकी के खिलाफ सिर्फ आप इंतजार करते हैं कि आपको शॉर्ट पिच गेंद मिल जाए, आपको ओवर पिच मिल जाए, आपको फुल टॉस मिल जाए, तो आप उस पर बाउंड्री मारे, वरना आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे। तो शॉर्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आई थिंक जब मार्टिन गप्टिल मेरे साथ पंजाब में भी थे तब भी हम लोग यही चर्चा करते थे नेट में कि आप अच्छे खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन जब आप दो बोले डॉट खेलते हो और तीसरी गेंद जो मारने की नहीं होती वो मारते हो, तब आप आउट होकर चले जाते हो। तो जहाँ दो डॉट खेल ली, अगर दो और खेलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शायद पांचवी छठी गेंद आपको मिल जाए मारने वाली। बट वो ये कि वो एक तो पेशेंस नहीं रखते उतनी देर की, वो अगर दो या तीन डॉट बॉल खेलते तो अगली पे चौका छक्का मारने के चक्कर में विकेट गवा देते। आई थिंक वो अपना बॉलर नहीं चूज कर पाते कि इस कंडीशन में अगर मेरा कोई बॉलर है तो मैं उसके अगेंस्ट 10-15-20 रन एक ओवर में मार सकता हूँ और बाकी को नॉर्मल खेल सकता हूँ। तो शायद शॉर्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है जो वो मिस कर जाते हैं।